एक सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी बाइक पर आकर सरेंडर कर रहा है। हाथ में गन ताने हुए दूसरा आदमी उसे बाइक से दूर हटने के लिए कहता है। वे उसके हाथ बांधकर ले जाते हैं और दूसरा आदमी उसकी बाइक हटाने जाता है, लेकिन बाइक के हटते ही बाइक के नीचे प्लांट किया हुआ ग्रेनेड पड़ जाता है। दोस्तों, सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक्शन थ्रिलर मूवी ब्लड फादर। फिल्म की शुरुआत में हम लिडिया को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जोना के लिए गन शॉप से गन और बुलेट खरीद रही है। जोना जो कि अल पेट्रिनो की गैंग के लिए काम करता है। हथियार मिलने के बाद जोना, लिडिया और गैंग के दो मेंबर एक आदमी के घर जाते हैं। उन्हें डाउट है कि इस आदमी ने अल पेट्रिनो का पैसा चुराया है। इस घर में पति पत्नी और उनके तीन बच्चे रहते हैं। लिडिया घर के बाहर खड़ी है, तभी उसे घर के अंदर से गन शॉट सुनाई देते हैं। लिडिया पहली बार जोना का यह हिंसक रूप देख रही हैं और वो शॉक हो जाती हैं। गनशॉट की आवाज़ से गार्डन में खेल रहे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। लिडिया घर के अंदर जाती है और देखती है कि एक आदमी को जोना ने गोली मार दी है। अब जोना उसकी वाइफ से पूछ रहा है कि चुराया गया पैसा कहाँ है, लेकिन वो महिला कहती है कि उसे मालूम नहीं है कि पैसा कहाँ पर है। गैंग के दो मेंबर घर में पैसे ढूंढते हैं। वहीं लिडिया जो ये सब कुछ देखकर डर चुकी है, वो जोना से कहती है कि इस महिला को जाने दो, लेकिन जोना उसकी बात नहीं मानता और वो लिडिया के हाथ में गन देकर कहता है कि इस महिला को गोली मारो ताकि ये साबित हो सके कि तुम मेरे साथ लॉयल हो। लिडिया जो कि काफ़ी डरी हुई है और वो गोली नहीं चला सकती, फिर भी जोना उसे लगातार गोली चलाने के लिए कहता है। इसी घबराहट में लिडिया से गलती से गोली चल जाती है जो जोना को लगती है। जब लिडिया को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया तो वो खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाती हैं। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जॉन लिंक, जो लिडिया के पापा हैं। जॉन एक सपोर्ट ग्रुप के साथ बैठा है जहाँ वो अपनी कहानी बताता है। जॉन कहता है कि वो पहले अमेरिकन आर्मी में था। एक दिन नशे में उसने गलती से किसी को गोली मार दी तो उसे सजा के तौर पर 7 साल जेल में बिताने पड़े। जॉन अपने पुराने दोस्त किर्बी के साथ यहाँ आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन का उसकी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है और अब वो ओल्ड कैंपर वैन में अकेला रहता है। आर्मी छोड़ने के बाद जॉन टैटू आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। वो काफ़ी अकेला है क्योंकि इसकी बेटी लिडिया भी उन्हें बहुत कम मिलती है। कुछ देर बाद जॉन को लिडिया का कॉल आता है जो बताती है कि वो घर शिफ्ट कर रही हैं और इसके लिए उसे $2,000 की ज़रूरत है ताकि वो नया घर ढूंढ कर अपनी जॉब कर सके। हकीकत यह है कि लिडिया जॉना के दोस्तों से बचकर भागने के लिए पैसा मांग रही हैं, लेकिन वो अपने पिता को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सच्चाई नहीं बता रही। जॉन अपनी बेटी के बारे में काफ़ी चिंतित हैं और कहता है कि वो जल्द से जल्द पैसे का बंदोबस्त कर लेगा क्योंकि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। लिडिया अपने पिता को कहती है कि वो उन्हें कैलिफोर्निया के सांता मोनिका बार में मिलेगी। फ़ोन रखते ही जॉन अपनी कार लेकर लिडिया की बताई हुई जगह जाने के लिए निकलता है। शाम होते हुए जॉन लिडिया के बताए हुए लोकेशन पर आ जाता है। डरी और सहमी हुई लिडिया अपने पापा की कार में आकर बैठ जाती है। जोना के दोस्तों से बचकर भागते हुए वो काफ़ी थक चुकी हैं और कार में सो जाती हैं। घर पहुंचकर जॉन लिडिया को कार से लाकर घर में सुला देता है। अब जॉन लिडिया का बैग चेक करता है जिसमें से उसे शराब और ड्रग्स के साथ एक गन मिलती है। जॉन गन को सलामत जगह पर रख देता है। जॉन को रियलाइज़ होता है कि उसकी बेटी एक ख़तरनाक लाइफस्टाइल की आदी हो चुकी है और यही उसकी परेशानी की वजह हो सकती है। लिडिया नींद से जागते ही उसके पिता से पैसे के बारे में पूछती हैं, लेकिन जॉन कहता है कि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर लिडिया को काफ़ी गुस्सा आता है। जॉन उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती वो उनके साथ रह सकती हैं। लिडिया थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो ज़्यादा देर यहाँ पर रही तो उसके पिता की जान खतरे में पड़ सकती हैं। लिडिया बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसकी मौत के लिए वो ज़िम्मेदार है। वहीं जॉन को पता चल चुका है कि पुलिस को लिडिया की तलाश है क्योंकि उसके पोस्टर पूरे शहर में लग चुके थे। जॉन लिडिया को कहता है कि जब तक पैसे का इंतज़ाम नहीं हो जाता तुम यहाँ रुक जाओ। अब जॉन पैसे के लिए अपने खास दोस्त किर्बी को फ़ोन करता है, लेकिन किर्बी ये कहकर मना कर देता है कि उसकी बेटी ये पैसा ड्रग्स और शराब में बर्बाद कर देगी। किर्बी जॉन को सलाह देता है कि वो अपनी बेटी की मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए। शाम हो जाती है और कुछ लड़के जॉन के पास आते हैं। वे कहते हैं कि टैटू बनवाने आए हैं, लेकिन जॉन को अंदाज़ा हो जाता है कि वे लिडिया के लिए आए हैं। जॉन तुरंत अपनी वैन का दरवाज़ा बंद कर देता है और लिडिया को सेव करता है। लड़के वैन के अंदर आने की कोशिश करते हैं। एक लड़का वैन का ग्लास तोड़ देता है। जॉन और लिडिया वैन के अंदर फंस चुके हैं।
तब किरबी और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और उन लड़कों को भगा देते हैं। लिडिया की जान को खतरा देखते हुए जॉन उसे लेकर वहां से निकल जाता है। तब लिडिया जॉन को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अल पेट्रिनो के पैसे वापस लाने की कोशिश की और उसी वक्त गलती से उसने जॉना को गोली मार दी। अब जॉना के दोस्त और पुलिस उसके पीछे पड़ी है। रात हो चुकी है। जॉन हाईवे पर एक मोटल में रुकता है। लिडिया को नींद नहीं आ रही, इसलिए वो कमरे से बाहर आती हैं और रिसेप्शन पर मौजूद एक लड़के से बात करती हैं। तभी टीवी पर खबर आती है कि पुलिस को लिडिया की तलाश है, इसलिए लिडिया वहां से चली जाती है, जबकि वो लड़का तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। लिडिया अपने कमरे में फ़ोन करके जॉन को इसके बारे में बताती है। जॉन तुरंत अपना सामान इकट्ठा करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। तब तक पुलिस वहां आ चुकी है। वहां मौजूद एक और लड़का उन्हें पीछे के कमरे में छिपा देता है। जॉन खिड़की से देखता है कि दो पुलिस वाले उनकी ओर आ रहे हैं। तभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उनकी तरफ आ रहे पुलिस वाले की मौत हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जॉन और लिडिया वहां से भागते हैं। तभी एक खतरनाक किलर उनकी कार पर फायर करता है, जिससे बचकर भागने में वे कामयाब होते हैं। अगले दिन सुबह जॉन अपने दोस्त जैक को फ़ोन करता है, जो कि जेल में है। जॉन उसे कहता है कि लिडिया पर अटैक करने वाले ग्रुप को खोजने में उसकी मदद करे। फिर जॉन और लिडिया लोकल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए दूसरे शहर पहुंचते हैं। वे मोंटेना के एक बार में जाते हैं, जहां जॉन अपने पुराने दोस्त टॉम हैरिस के बारे में पूछता है, जो उसके साथ आर्मी में था। शुरू में बारटेंडर टॉम के बारे में बताने से इनकार करता है, इसलिए जॉन मदद के लिए किरबी को फ़ोन करता है। उस वक्त लिडिया बारटेंडर से बात करके उसे टॉम का लोकेशन बताने के लिए राज़ी कर लेती है। टॉम का पता मिलने के बाद जॉन और लिडिया वहां पर आते हैं। जॉन टॉम के पास आकर उससे पैसे और अपनी बाइक मांगता है, जो उसने टॉम को कई साल पहले दिए थे। शाम को टॉम अपने बाइक क्लब के दोस्तों को जॉन से मिलने के लिए बुलाता है। जॉन और लिडिया रात को वहीं रुक जाते हैं। अगली सुबह टॉम की वाइफ गन लेकर जॉन और लिडिया को कहती है कि तुम्हें अब यहीं रुकना होगा। इससे ये साबित होता है कि टॉम और उसकी वाइफ को पता चल चुका है कि पुलिस को जॉन और लिडिया की तलाश है। पुलिस ने उन पर $30,000 का इनाम रखा है। टॉम ये पैसे के लिए जॉन और लिडिया को पुलिस को सौंप देना चाहता है। टॉम की धोखेबाजी से जॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसकी वाइफ को एक पंच मारकर गन छीन लेता है। फिर वो टॉम पर गन तान कर उससे उधार दिए हुए पैसे मांगता है, लेकिन दोस्ती के खातर वो टॉम की जान नहीं लेता। पैसे और बाइक लेकर जॉन और लिडिया वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जॉना के दोस्त उनका पीछा करते हुए फायरिंग करते हैं। तब जॉन रोड के बीच बाइक खड़ी करके टॉम की गन से उन पर फायरिंग करता है। अगली सुबह जॉन और लिडिया अपना लुक चेंज करते हैं। अब जॉन जैक से मिलने के लिए जेल में जाता है और उन माफिया के बारे में पता लगाता है कि जो लिडिया का पीछा कर रहे हैं। जैक के कनेक्शन से पता चलता है कि जो लिडिया का पीछा कर रहे हैं वे अल पेट्रिनो के आदमी हैं और वो जॉना ही था जिसने अल पेट्रिनो के पैसे चुराए थे। फिल्म की शुरुआत में हमने जो देखा वो जॉना की साजिश थी, ताकि उस पर कोई डाउट ना करे। लेकिन लिडिया ने गलती से जॉना पर गोली चला दी, इसलिए अल पेट्रिनो को यकीन है कि पैसे अब लिडिया के पास हैं। दूसरी ओर लिडिया को किरबी का कॉल आता है, जो बताता है कि अल पेट्रिनो के शूटर को उनका लोकेशन पता चल गया है और वो उसे वहां से निकलकर एक थिएटर में बुलाता है। लिडिया मूवी थिएटर में चली जाती है, लेकिन ये जॉना की चाल थी जो अभी भी जिंदा है और लिडिया से बदला लेना चाहता है। जॉना को देखकर लिडिया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉना के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। वहीं जॉन जेल में जैक से मिलकर बाहर आता है और लिडिया को कॉल करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो किरबी को कॉल करके लिडिया के बारे में पूछता है। ये फ़ोन जॉना रिसीव करता है और बताता है कि उसने किरबी को किडनैप करके मार दिया है। अपने खास दोस्त की मौत और लिडिया के किडनैप के बारे में जानकर जॉन काफ़ी गुस्सा होता है। जॉना धमकी देता है कि वो अपने कारनामे छिपाने के लिए लिडिया को मार देगा। तब जॉन कहता है कि वो उसकी सच्चाई अल पेट्रिनो को बता देगा, इसलिए जॉना उसे मिलने के लिए बुलाता है। जॉना की बताई हुई जगह पर जाने से पहले जॉन टॉम के घर ग्रेनेड लेने जाता है। तभी वहां टॉम आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। जॉन उसे गोली मारकर वहां से निकल जाता है। अब जॉन मीटिंग पॉइंट पर आता है। वो अपने हाथ ऊपर करके बताता है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है, इसलिए जॉना उसे लिडिया से मिलने के लिए कार में बुलाता है। जॉना दोनों को एक साथ मारना चाहता है, इसलिए वो कार लेकर वहां से निकलता है, लेकिन रास्ते में जॉन की बाइक खड़ी है, जिसे हटाने के लिए जॉना के आदमी जाते हैं। बाइक हटते ही भयानक ब्लास्ट होता है, क्योंकि जॉन ने बाइक के नीचे ग्रेनेड प्लांट किया था। ब्लास्ट होते ही जॉन जॉना पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच कार में फाइट होती है और जॉन उस पर हावी हो जाता है। जॉना अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर भागता है। तभी जॉना का एक शार्प शूटर पहाड़ी पर से उन पर फायर करता है और जॉन को गोली लग जाती है।
घायल जॉन कार के पीछे कवर लेता है, लेकिन घाव काफ़ी गहरा है और वो अपनी बेटी के सामने दम तोड़ देता है। उसी वक्त वहाँ पुलिस आकर जोना को अरेस्ट कर लेती है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि जोना को जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ जॉन के दोस्त जैक और उसके साथी उसे बताते हैं कि अब जेल में उसके साथ क्या होगा, और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आ चुके हो तो सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।